Assalamualaikum friends. Take a deep breath, ladies and gentlemen. Today we are going to react a strange video, and this is Hathori or Toke se Bal Katane Wala Pakistani Hajam. So before we start the video, please don't forget to subscribe our channel. So friends, chaliye shuru kare. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज हम आपको बताएंगे कि बाल काटने के लिए आम तौर पर कैंचियाँ, सीजर्स, कंगी और मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लेड्स यूज़ करते हैं, मशीन्स यूज़ करते हैं। ये लाहौर के वो दुकानदार हैं जो कि बाल काटने के लिए हथौड़ा, जिसे हैमर कहा जाता है, इसके अलावा ये टोका, इसकी मदद से 15 मिनट में इतनी खूबसूरती और नफासत से बाल काटते हैं कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। ये अली अब्बास सैलून है जो कि गुलबर्ग 3 में वाक़ है और अली अब्बास साहब खुद इसके ऑनर हैं। और जो मॉडल हैं जिनके बाल कटेंगे उनका नाम है शाह हुशवार अलवी। आप कब से ये बाल कटवा रहे हैं, इनसे कटवा रहे हैं और इसी टेक्निक से कटवा रहे हैं, इसकी वजह? टाइम तो काफ़ी हो गया इस तरह बाल कटवाते हुए, लेकिन इनके साथ जो रिलेशन है वो 8-10 साल पुराना है। इस रिलेशन में कभी आपको कभी टक लग गया हो, ब्लीडिंग हुई हो? नहीं, आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इसी के जरिए क्यों करवाते हैं? खुद ही एक चीज़ हमने कहा, चलो एक लोग नए नए आजकल पंगे ले रहे हैं, हमने कहा चले हम भी को नया छोटा सा पंगा लेते हैं। तो अली भाई से भी गुफ्तगू करते रहेंगे और साथ साथ बाल किस तरह कटते हैं अपनी स्क्रीन पर देखते जाइए। और हथौड़े के जरिए किस तरीके से कटिंग की जा रही है आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। और हम ये जो शाह साहब हैं इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे, शाह साहब आपको कोई तकलीफ वगैरह तो नहीं हो रही? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो उनका बड़ा प्रोफेशनलिज्म है, वो बड़े स्मूथली हाथ चला रहे हैं। अली भाई, आप ये जब काम करते हैं तो हल्की सी भी कुताही, हल्की सी भी गलती जो है वो, आपको पता है ब्रेन जो है पूरी बॉडी का सबसे जो है वो नाजुक हिस्सा है, तो ये सर फट भी सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है, कट भी लग सकते हैं। तो ये क्या टेक्निक है कि आप एक स्पेसिफिक फोर्स लगाते हैं जिससे मॉडल को जो है वो तकलीफ भी नहीं होती, बाल भी कट जाते हैं? ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपका फोकस एक जगह पे रहना चाहिए, तरीकाकार उसका ये बड़ा आसान है, और स्किन टाइट रखें ताकि उसमें टोका लगने के चांसेस नहीं होते, और तो इसमें बड़ी आसानी होती है कि बंदे को आसानी से वो चीज़ आप कर सकते हैं जो भी आपने करनी है। अच्छा, स्क्रीन पर लोग देख भी सकते हैं कि ये मेरे से बात भी कर रहे हैं लेकिन फोकस जो है इनका वही है। ये कान भी कट सकता है, स्किन का बड़ा नाजुक पार्ट है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, कान क्यों कटेगा, जब मैं एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग की है, इसके ऊपर बैठ के काम किया है। कितने अर्से की ट्रेनिंग है आपकी? तकरीबन साल तो लग ही गया मुझे, दिन रात इसके ऊपर मैंने काम किया, एक दो बार कट भी लगे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत अच्छे से हो जाता है। जी, तजुर्बे का कोई नेमल बदल नहीं है और ये जिस तरीके से कटिंग कर रहे हैं ये तमाम तर मराहिल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि आप लाइटर की आग से जो है ये टोके की धार को गर्म कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि अभी मैंने बाल काटे तो मुझे लगा ये थोड़ी सी डाउन हो गई, तो इसको मैं बिल्कुल दोबारा से नीट कर रहा हूँ। ये भी एक अपनी तरफ का एक शशका है बहुत बड़ा। सर, शशका तो ये है लेकिन जब धार गर्म होती है तो ये स्किन को जलाती नहीं? नहीं जलाती नहीं है, मैं इतनी क्वान्टिटी इसको इतने तरीके से गर्म कर रहा हूँ ताकि ये मेनटेन हो जाए और ये एक तरह का स्टीलाइज भी हो गया। तो यार आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों नहीं? यही मुनासिब लगा इसलिए मैंने ये कर लिया। इन्होंने टोके की धार को आग से गर्म भी किया, आपको स्किन पर किसी किस्म की कोई गर्माहट तो नहीं फील हुई? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई मसला ही नहीं हुआ। ये किस तरीके से इन्होंने इनकी ये लाइन बनाई है, शायद ब्लेड या उस तरह से भी इस तरह की स्ट्रेट लाइन बनाना जो है वो इंतहाई मुश्किल होता है। अब ये बाल जिनके ज़्यादा घने होते हैं उसके लिए हो गया, अब मैंने क्योंकि सारा काम टोके से किया है तो एंड में मुझे बाल में थोड़े से लेयर्स देने हैं, तो मैं इसको ब्लेड से लेयर्स दे रहा हूँ। ब्लेड से लेयर्स दे रहे हैं? वाह वाह वाह, ताकि फ्रंट से जो है ना ऊपर बिल्कुल वो वॉल्यूम लेस हमने किया तो वो पतले हो जाए और ऊपर अच्छे लगे। तो टोके से भी आप जो है ये वॉल्यूम लेस कर देते हैं? नहीं, टोके से नहीं हो सकता लेस, क्योंकि उससे तो गंजा हो जाएगा। अच्छा, हमने तो अपनी ऑडियंस को बताया कि आप टोके और हथौड़े से कर रहे हैं लेकिन आप यहाँ पर कैंची और कॉम्ब का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी क्या वजह? उसकी एक वजह ये भी है भाई कि आपने जो टोके से किया है ना वो नीचे से किया है, हमने इसको ब्लेंड करना है तो सारा टोके से तो ब्लेंड नहीं हो सकता, उसके लिए हम सीजर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर कोई शख्स ये वीडियो देख कर खुद से ही टोके वाली टेक्निक अपनाना चाहे तो वो टोके से नहीं होना। हमारी तमाम अपने नाजरीन से इल्तमाश है कि इस तरह का स्टंट घर में करने की कोशिश बिल्कुल भी ना कीजिए। तो जी, एवरीथिंग इज़ डन नाउ और ये बिफोर और आफ्टर जो है वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर भी। ये भाई की कटिंग जो है कम्प्लीटली हो चुकी है, ये बजाते भी रहते हैं आप, इसकी वजह
वजह क्या है बजाने की? ये बिफोर कटिंग भी हमने ये बजाया था और बाद में भी ये बजा रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं, तो ये काम अच्छे तरीके से हो गया। तो कोई पैगाम देना चाहें डेली पाकिस्तान की ऑडियंस को तो आप दे सकते हैं? पैगाम ये है कि ये घर पे आपने इस्तेमाल नहीं करना, आपसे नहीं होगा, बहुत मुश्किल मरहला है। मैंने तो इसकी बारहा प्रैक्टिस की है, पूरा एक साल लगाया तब जाकर ये नतीजा निकला। तो आप अपने बाल कहाँ से कटवाते हैं? मैं खुद ही काट लेता हूँ। बड़े अच्छे बाल हैं। अपने मेज़बान यासर शामी को इजाज़त दीजिए। अगर आपके पास भी कोई हैरत अंगेज टैलेंट मुनफरिद कलेक्शन है तो डेली पाकिस्तान पे आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, हम आपके टैलेंट और कलेक्शन को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। वाओ, ओ माय गॉड, दिस गाय इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड। डिड यू थिंक? Actually, the salon man Abdul Salam cutting hair with knife and hammer. I can't imagine. Really, it's totally different to see, and he looks very professional when he cut hair. And no fear in his and his customers' face when he cut anybody's hair. Wow, just amazing. So that's all. How do you like this video? Please comment us and do more. Like, comment, share and subscribe. Thank you so much. Assalamualaikum. Assalamualaikum.